हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जेबी ट्यूटोरियल पर। डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट किए थे और उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करना है, कंसंट्रेशन लेवल के साथ वो कैसे डिफर करता है, ये सारी चीज़ों को हमने जाना और समझा। आज इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज के क्लास का जो मॉड्यूल है, मतलब आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करते हैं, पहले मैं उसकी पहले बात कर लेता हूँ। तो जो बच्चों, आज हम रेट इक्वेशन पढ़ेंगे और रेट इक्वेशन में ना कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन यूज़ होगा, रेट कांस्टेंट करके एक नया टर्म आज आपके सामने आएगा जिसको हम के से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, या रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे, टॉपिक नंबर टू रहेगा हमारा आज का। देन जो रेट कांस्टेंट, ठीक है, के था, उसके बारे में बातें करेंगे कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और एट द लास्ट हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेट इक्वेशन। क्या नाम दिया मैंने? रेट इक्वेशन। चलो आराम से समझ लाना होता क्या है भाई रेट इक्वेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम कतई छोटा सा टॉपिक है। आप सबको पता है एक रिएक्टेंट होता है और एक होता है प्रोडक्ट, एक राजा एक रानी, कहानी शुरू, ठीक। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा से ही केवल किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे या रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे। समझ में आ रही बात है? अगर मान लो ये एन मोल रहता है तो हम इसके पावर में क्या डाल देते हैं। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटता है ना, तब यहां पर एक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं के। क्या नाम देते हैं? के। और यही के क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। आर क्या है बच्चों? आर है रेट ऑफ रिएक्शन। और के क्या है? के है हमारा रेट कांस्टेंट। ये सिंपल सा कोड याद रखना, आर अलग चीज को डिनोट करता है और के बिल्कुल डिफरेंट चीज को डिनोट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? तो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी में एक चीज़ और लिख लो कि अगर मान लो ए प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं और उससे हमारा सी प्लस डी प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा ना, वो अगेन केवल व केवल ए और बी के कंसंट्रेशन या एक्टिव मास पे ही डिपेंड करेगा। सी और डी से उसको कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये ही मेरा रिएक्टेंट है, ये लोग क्या है? प्रोडक्ट है। एक बात ना दिमाग में एकदम स्टोर कर लो, आप पढ़ रहे हो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के हर जगह केवल व केवल रिएक्टेंट का रोल चलेगा, प्रोडक्ट का कहीं यूज नहीं है, कहीं मतलब कहीं नहीं है, ठीक है। पूरे थ्रू आउट द चैप्टर आपको रिएक्टेंट पे अपने फोकस को कंसंट्रेटेड रखना है, ओके। जब यही हटा दूंगा मैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के नाम से, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रेट कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं। ऐसे ही मान लो बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन ऐसा भी तो हो सकता है एम मोल ए प्लस ऑफ एन मोल बी से मेरा बन रहा होगा प्रोडक्ट। अब क्या प्रोडक्ट बन रहा है उससे तो लेना देना है नहीं, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर केवल रिएक्टेंट के दम पे चलना है। तो यहाँ पर जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लूंगा तो आप समझ गए कि एक्टिव मास ऑफ ए की पावर में आप एम डाल देंगे और बी की पावर में आप एन लगाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे सही से तो ये आ जाएगा ए की पावर एम बी की पावर एन, और प्यारे बच्चों ये जो कहलाता है, यही कहलाता है आपका रेट इक्वेशन। इसको आप क्या नाम देते हैं? रेट इक्वेशन। इक्वेशन का तो मतलब यही होता है ना कि इक्वल सिंबल के लेफ्ट में कुछ चीजें आए और राइट में कुछ चीजें आए, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड वाला कॉन्सेप्ट। तो लेफ्ट में कुछ चीजें हैं और राइट में कुछ चीजें हैं, तभी तो ये क्या है? इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? केमिकल रिएक्शन के रेट का, इसलिए हम इसको नाम ही क्या दिए? रेट इक्वेशन। वेरी इजी। अब मैं प्यारे बच्चों क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो M और N जो रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट आए हैं उनके कंसंट्रेशन या जो एक्टिव मास का जो पावर आता है ना, जब आप उसको ऐड करोगे तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और पूरे चैप्टर में आपको हर जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही दिखने वाला है, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का हमारा जो टारगेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को पढ़ने का है।
इसको कवर करने के बाद तो हम एक बार इंटर करेंगे ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो वो तब तक चलेगा जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी के दम पे उठने वाला है। और याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्टार्टिंग कहाँ से आएगा, तो रेट इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से। जब तक रेट इक्वेशन नहीं बनता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सोचना भी नहीं है, हालांकि अभी तो वो भी नहीं सोचना है, बाद में सोचना है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने चीज़ों को जाना। अब हम रेट इक्वेशन क्या चीज़ है वो तो क्लियर हो गई। रेट इक्वेशन में क्या क्या आता है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या एक्टिव मास आता है, रेट कांस्टेंट आता है, रेट रिएक्शन आता है या रेट ऑफ रिएक्शन आता है, और साथ ही साथ में अगर इनके पावर्स को आप ऐड करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। तो एक रेट इक्वेशन तीन तीन चार चार चीज़ों को स्टोर करके रखता है। होप सो ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब धीरे से हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, सभी लोग साथ में लिखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आर। आर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट फैक्टर में शॉर्टकट में बस लिखवा रहा हूं ना, पहला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर, वो डिपेंड करता है केवल किसके कंसंट्रेशन पे, डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबको पता है ये बात कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो जब आप आर ले रहे थे तब आप केवल किसको ध्यान दे रहे थे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को। जितना हाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद समझना ना, मैं एक गिलास पानी लिया उसमें एक दाना शक्कर डाल रहा हूँ, और मैं एक गिलास पानी लिया उसमें 10 दाना शक्कर डाल रहा हूँ, मतलब सेकंड गिलास में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है ना। तो 10 दाना शक्कर में क्या हो रहा है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो 10 लोग आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मार काट के ख़त्म कर देंगे, रिएक्शन कंप्लीट, पूरा का पूरा शुगर डिसॉल्व। बट जो एक अकेला है वो खुद से ही लड़ाई कर रहा है, मरेगा ही नहीं ना। तो आप ये बात समझ पाए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टी के। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप टेम्परेचर देते हैं, ये सारे वर्ड्स को आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर या हीट सप्लाई होती है तब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेस्ट स्टेट में होते हैं उनको मिलता है काइनेटिक एनर्जी। अब मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बच्चों कोलाइड होते हैं ना, तभी तो वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो पाएंगे, बॉन्डिंग कर पाएंगे, और तभी तो केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करो, मॉलिक्यूल का कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा मिली रही होगी। कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और जो रिएक्शन का एक्चुअल टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फास्ट रिएक्शन हो गया ना। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से फास्ट रिएक्शन, रेट स्लो हो गया तो स्लो रिएक्शन। थर्ड और कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, तो याद रखना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पर। हालांकि ये जो कैटलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में कैटलिस्ट करके पूरे एक टॉपिक को कवर करना है, ठीक है, कैसे वर्क करता है कैटलिस्ट, मैकेनिज्म कैसा होता है। बट अभी बस छोटी मोटी बातें कि जब भी आप लोग किसी केमिकल रिएक्शन में एडिशनल कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो आप सबको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन को क्या करे, उसके रेट को आइदर इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, जनरली इंक्रीज किया जाता है। ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और जो डिक्रीज कर दें, कई बार डिक्रीज भी करना रहता है, जैसे मान लो लोहे पे जंग लग रहा है, कोरोजन लग रहा है, हम चाहते नहीं है कि वो लगे, इसलिए हम वहाँ ऐसे कैटलिस्ट यूज करेंगे जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे, साल 10 साल 20 साल तक उस पर कोरोजन ना हो। ऐसे भी तो कैटलिस्ट चाहिए ना, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे उनको, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट, जो इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, तो प्यारे बच्चे समझिएगा कि कैटलिस्ट जब आप केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं ना,
ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब तो जरूर करता है, सेल्फ अनचेंज रहता है, ये तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन ही होता है। होता क्या है कि कैटलिस्ट जब हम केमिकल रिएक्शन में ऐड करेंगे तो वो रिएक्टेंट के साथ जाके ना कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा ना तब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आप समझना कि अगर मान लो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, मतलब रेट क्या हो गया? स्लो हो गया, डाउन हो गया, स्लो रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी एकदम कम है, ठीक है, तो तुरंत अचीव हो जाएगा, जैसे ही अचीव हुआ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से एक्टिवेट हो गया रिएक्शन। तो जितना लोअर एक्टिवेशन एनर्जी उतनी हायर रेट ऑफ रिएक्शन, जितनी हायर एक्टिवेशन एनर्जी उतनी लोअर रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कागज़ और एक भीगी सी लकड़ी है, दोनों को बर्न करना है, तो मैं समझ पाऊंगा कि भैया जो कागज़ है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो बहुत कम समय में ही जलना शुरू कर देगा। बट अगर मेरा एक कोई लकड़ी का टुकड़ा है और वो गीला है, उसको अगर मैं आग दूंगा, बर्न करने की कोशिश करूंगा, वो जल्दी होगा क्या? नहीं होगा, पर नहीं जलेगा ऐसा भी पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अभी हाई है, अभी आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत समय तक मेहनत करना है, और उसके बाद फिर वो बर्न करना शुरू करेगा। तो हायर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर रेट ऑफ रिएक्शन, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी हायर रेट ऑफ रिएक्शन। और कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे जिससे एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी, और इसीलिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर असर करते हैं। तो होप सो ये कॉन्सेप्ट पूरा सही से समझ में आया। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। किस पर? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा ना इस चैप्टर में भी। आप समझना कि अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी हाई है, रेट स्लो हो जाएगा। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक है तो तुरंत डिसोसिएशन होगा, तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ रिएक्टेंट से भी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है। एंड द लास्ट टॉपिक या लास्ट फैक्टर्स कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना हाई सरफेस एरिया रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना सुप्रीमली हाई रहेगा। इसको कैसे समझते हैं? मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो मैं सॉल्ट का, नमक का एक बड़ा सा ढेला लिया, ठीक है, ढेला मतलब समझ रहे हो, बड़ा सा टुकड़ा सॉलिड फॉर्म में है वो, और उसी नमक को मैंने ना थोड़ा सा पीस के ना चारों ओर फैला दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम टेम्परेचर सप्लाई करता हूँ। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कौन जल्दी डिसोसिएट होगा, कौन जल्दी मेल्ट करेगा? आप सिंपली आंसर करेंगे, सर जिसका सरफेस आपने उसको पाउडर फॉर्म में रख के पूरी तरह से फैला दिया था ना, वो जल्दी रिएक्शन करेगा और जल्दी मेल्ट हो जाएगा। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो हीट के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी रिएक्शन को किया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? हायर हो गया। पर जो नमक का बड़ा सा टुकड़ा था, ढेला था, उसका केवल छोटा सा पार्ट, छोटा सा सरफेस ही हीट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इसलिए वो स्लो रिएक्शन में काउंट होगा, उसका रेट कम हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स थे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले। होप सो एक एक फैक्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसको नोट करिएगा बच्चों। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, चलिए बाय बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी पढ़ लिए, रेट इक्वेशन को भी जान लिया। मैं एक बार ना रेट इक्वेशन को फिर से ला रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना रहे थे, एन मोल रिएक्टेंट है, तो आप सबने देखा कि यहाँ पर पावर में क्या आ गया? एन आ गया, ठीक। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाया जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के को यूज़ किया जाता है, और ये के क्या है? तो ये के है बच्चों रेट कांस्टेंट। ये के क्या है? रेट कांस्टेंट। और ये एक्चुअल में किसके इक्वल आएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में रिएक्टेंट का एक्टिव मास बोल लो या कंसंट्रेशन बोल लो, और उसकी पावर में एन क्या है? एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन इज नथिंग बट दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रेट इक्वेशन आता है ना, रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का पावर आता है उसी को आप उसका क्या बोलते हैं? ऑर्डर। दो अलग अलग रिएक्टेंट रहते तो दोनों के पावर को ऐड करता,
यहाँ एक ही रिएक्टेंट है, इसलिए डायरेक्टली जो पावर आया वही मेरा क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन गया। वेरी इजी। अब हमको पढ़ना है बच्चों के बारे में, ठीक, कि के किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो बात आप ये समझना कि जो के है, जो के है वो केवल और केवल टेम्परेचर का फैक्टर होता है। के केवल किसका फैक्टर होता है? टेम्परेचर का। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो हम यहीं से समझ पाए, क्या समझ पाए कि के मीन्स रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये किसी भी फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता ना, एक्सेप्ट टेम्परेचर। फिजिकल पैरामीटर इन द सेंस वो कंसंट्रेशन बोल लो या प्रेशर बोल लो या वॉल्यूम बोल लो, किसी से के को कोई लेना देना नहीं है। इट्स ओनली फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। और कैसे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो याद रखना कि ये के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा के की वैल्यू भी बढ़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है बातें कि के केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा एक चीज और, आप लोग जब क्लास 11th में थे ना, तब आप केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहां केपी केसी करके आता था। उस समय के को आप बोलते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अभी आप के को क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, रेट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में इक्विलिब्रियम आए या ना आए कोई कंपलसरीशन नहीं है ना, सिंपल। तो इस बार रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं। जब आप केसी पढ़ते थे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस समय आप एक चीज नोटिस करते थे कि जो के है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, बट हमेशा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता था। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता था तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में होता था, के बढ़ने से टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू बढ़ती थी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर बात एक्सोथर्मिक रिएक्शन की होती थी ना, तो वहां पर इनवर्स रिलेशन आता था इनके बीच में, ठीक है। अभी मगर आप पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, और यहाँ पर के का कोई एंडो हो या एक्सो उससे कोई लेना देना नहीं है, के टेम्परेचर के हमेशा क्या रहेगी, डायरेक्ट रिलेशन में रहेगी, बिकॉज दिस इज रेट कांस्टेंट नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फर्स्ट थिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों, के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से के हमेशा बढ़ रहा है, ठीक, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो खुद भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब मैं यहाँ से एक बात ही समझ गया ना कि जब के की वैल्यू बढ़ेगी तब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ के। जितना हायर वैल्यू ऑफ के वो रिएक्शन उतना फास्ट होगी, जितना लोअर वैल्यू ऑफ के वो रिएक्शन उतना स्लो होगी। तो अगर मैं ए बी सी तीन रिएक्शन की के की वैल्यू दे दिया और मैं पूछूंगा विच वन इज फास्टेस्ट और विच वन इज स्लोएस्ट, तो अब आप उसको टैकल कर सकते हैं। जिसकी के की वैल्यू हायर है वो फास्टेस्ट रिएक्शन है, जिसकी के की वैल्यू लोअर है वो स्लोवेस्ट रिएक्शन होगा। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि जो के है रेट कांस्टेंट, के को नाम ही हमने दिया है रेट कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन आर था बच्चों, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया था, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया था। बट के लिए याद रखना कि के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि के केवल एक ही फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। एक्सेप्ट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन बोल ले, प्रेशर बोल ले, वॉल्यूम बोल ले, उससे के को कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब से इंडिपेंडेंट है। गॉट इट? एक पॉइंट और याद रख लेना कि जो यूनिट ऑफ के है ना, यूनिट ऑफ के डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक एक टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलो ना, क्योंकि चैप्टर बड़ा मजेदार है। हम अभी पूरा का पूरा किस चीज पे बात चला दिए, हमने बात चला दिया रेट कॉन्स्टेंट पे, रेट कॉन्स्टेंट के से रिलेटेड ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, और इस प्रॉपर्टी की एंडिंग हुई कि जो के का यूनिट है ना वो हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, वो डिफर करेगा, डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ध्यान देना बच्चों कि आप सबने अभी अभी तो एक रिलेशन देखा, क्या रिलेशन देखा, कि
आर जो आया था, मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के एक्टिव मास या कंसेंट्रेशन की पावर में एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यही प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल जब आप हटाते थे तब यहाँ के आ जाता था। मतलब कुल मिला के हमने के का फाइनल वैल्यू क्या पढ़ा, आर अपॉन रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन की पावर में क्या, एन। याद आया ये रिजल्ट, इसी को आप यूज करेंगे। एन क्या है बच्चों, तो एन है फर्स्ट जीरो, सॉरी एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं पहला केस ले रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं मतलब एन की वैल्यू को हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, जीरो। और अगर एन की वैल्यू जीरो है तो यहां रखिए ना वैल्यू के लिए। आर का यूनिट हमेशा से क्या होता है, आर का यूनिट हमेशा से होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक, मोल पर लीटर पर सेकेंड। नीचे ध्यान से देखो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर की पावर में आप क्या रखे, जीरो। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। और आपको पता है एनी नंबर टू द पावर जीरो शुड बी वन, तो भैया ये पूरा पार्ट हो गया वन। तो के का फाइनल यूनिट क्या बना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, वेरी इजी। ये जीरो ऑर्डर के लिए आया बच्चों। आप देखते हैं कि के का यूनिट क्या हमेशा फिक्स रहता है क्या, चेक करते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो अगर मैं बात करूंगा एन की वैल्यू वन लिया, वन लिया मतलब मैं किस पे बात कर रहा हूं बच्चों, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां के लिए के लिखिए, तो ये हो जाएगा आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, इस बार आप क्या लेंगे, वन लेंगे, बिकॉज एन की वैल्यू इस बार हमको वन पुट करनी है, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म चल रहा है। आर हमेशा से फिक्स क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया हूं। और नीचे कंसंट्रेशन है उसका यूनिट तो मोल पर लीटर होता ही है, कि पावर में क्या डाल दिया हुआ, ध्यान दो। तो ये जब सॉल्व होगा मोल मोल कैंसल, पर लीटर कैंसल, तो के का फाइनल यूनिट क्या आया, ओनली पर सेकेंड। क्या जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में के की यूनिट मैच की क्या, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं बिल्कुल मैच नहीं की, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आ गई है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड केस ले लिया, बाई चांस मैंने बोल दिया एन की वैल्यू टू ली गई है, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों अगर हमने के का यूनिट निकालने की कोशिश की, तो आप यहां पर पावर में टू रखेंगे, ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे आ रहा है आपका मोल पर लीटर की पावर में क्या, टू। सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा ऊपर है मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे थोड़ा करो तो ये हो जाएगा मोल की पावर टू, और लीटर की पावर में माइनस वन है, यहाँ टू है, तो अब ये मिला लीटर की पावर माइनस टू। समझ में आ रही बात है, लीटर की पावर में क्या आ गया, माइनस टू। ऊपर लाओ देखो मोल की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, वन है, और नीचे वाले मोल की पावर में टू है। जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मोल की पावर में माइनस वन। लीटर पर फोकस करना, लीटर की पावर यहाँ पर है माइनस वन और यहाँ नीचे में है माइनस टू, ये माइनस टू पर जाके प्लस टू होगा, तो माइनस वन प्लस टू, इस बार लीटर की पावर में क्या आ गया, वन। अब बगल में क्या है, पर सेकेंड तो है ही, तो ये बना मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल रहा है के का यूनिट चेंज होते जा रहा है। तो बस मैंने ये लाइन इसीलिए लिखी थी कि जो यूनिट ऑफ के है वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। अब देखो, अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पूछ दूं मैं, थर्ड ऑर्डर का आप लोग खुद से करो तो थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आ जाएगा कि सर क्या ये सारी चीजों को याद करना है क्या। तो हम बोलेंगे बच्चों मैं पूरे साल भर ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूंगा कि आप इस चीज को याद करो, एक बेहतर ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो वेरिएबल है जो बार बार चेंज होती है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसी पे ज्यादा सवाल बन जाता है, ठीक है। तो चलो ट्रिक देखना, यहां पर मिला मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ये मेरा के है, भूल जाओ इनको, भूल जाओ ये कैसे लाते हैं नहीं लाते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है, सेकंड, ये रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप एक सेकंड में ला सकते हैं, ध्यान देना बस। अगर बच्चों मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, एन की वैल्यू मैंने क्या ले ली, जीरो। तो आपको क्या करना, आप बस यह ध्यान से देखना कि जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें आप माइनस वन करो, उसमें क्या करो, माइनस वन, और वो माइनस वन करके ना उसको लीटर की पावर में डाल दो।
तो 0 माइनस 1 हम लोग समझ गए कितना होता है माइनस 1, तो लीटर की पावर में क्या गया माइनस 1। जो लीटर की पावर में वैल्यू आती है ना, मोल की पावर में भी वैल्यू वही आएगी, बस डिफरेंस ये रहेगा कि लीटर की पावर में जो नंबर नेगेटिव आया तो मोल में पॉजिटिव, लीटर की पावर में पॉजिटिव आया तो मोल में नेगेटिव। मतलब लीटर और मोल की पावर वैल्यू में सेम रहेंगी, बस सिंबल अलग रहेंगे। तो यहाँ लीटर की पावर माइनस 1 आया है, तो प्यारे बच्चों मोल की पावर में क्या आ जाएगा प्लस 1, और बगल में हमेशा की तरह क्या पर सेकेंड बन गया जीरो ऑर्डर। चलो ध्यान से, अगर मैंने फर्स्ट ऑर्डर पूछा रहता तो मैंने क्या बोला, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बोला कि आप क्या करो पहले उसमें से एक कम कर लो, 1 माइनस करो, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, मतलब लीटर की पावर 0, तो मोल की पावर में माइनस 0 प्लस 0 0 तो 0 ही है। अब बगल में क्या पर सेकेंड, भैया इसका 0 इसका 0, फाइनली हमें केवल क्या मिला पर सेकेंड। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड आया भी था। मैं बात करूंगा बच्चों अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो आप सीधे सीधे समझ गए इसमें से एक कम कीजिए, तो भैया एक कम करने से लीटर की पावर में क्या आया प्लस 1, अगर लीटर की पावर में प्लस 1 है तो मोल की पावर में माइनस 1, क्योंकि इनकी वैल्यूज सेम होती हैं बस सिंबल अलग अलग होते हैं। और बगल में हर बार आप क्या लगा रहे हो पर सेकेंड, चेक कर लीजिए आया है कि नहीं आया। ऐसे ही अगर मैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोल दूँ, तो आप समझ गए लीटर की पावर में क्या लगाना है 2 लगाना है, तो मोल की पावर में माइनस 2 लगाना है, और बगल में क्या पर सेकेंड। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर आपके सामने पूछ दिया जाए तो अगले एक सेकेंड में आप लोग उसका के का यूनिट बता सकते हैं, या उसका उल्टा, अगर के की यूनिट पता हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लाना हो तो बड़ा सिंपल है, जो लीटर की पावर उसमें एक इंक्रीज कर देना। जैसे अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ लीटर की पावर क्या है 2, एक इंक्रीज करो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ लीटर की पावर में क्या है 0, एक इंक्रीज करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ लीटर की पावर में क्या है माइनस 1, एक इंक्रीज करो 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो बात यही है, अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो तो आप के का यूनिट ला सकते हो, और अगर आपको के का यूनिट पता हो उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी जस्टिफाई कर सकते हो। तो होप सो ये बहुत आसान है। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ दूं कि आप सिक्स्थ ऑर्डर के लिए के का यूनिट बताओ, हालांकि सिक्स्थ ऑर्डर रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, पर आप समझ गए ना बच्चों कि भैया अगर सिक्स ऑर्डर बोल दिया तो लीटर की पावर में 5, तो मोल की पावर में माइनस 5, और बगल में पर सेकेंड। कोई भी ऑर्डर रिएक्शन दे आप के बना लेंगे, या कोई भी के का यूनिट हो आप उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ला लेंगे। इट इज इट इजी है ये, थोड़ा आवाज लपटा गया। अब चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट आर और के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। और रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप सबने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता था वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट का रेट होता था, और उसी समय प्रोडक्ट क्या होता था इंक्रीज होता था ना, ये पिछले लेक्चर में क्लियर है। और ये लोग आपस में क्या होते थे इक्वल, तो यही चीज क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। बट रेट कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन क्या बनता है, इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ रेट लॉ, या इसी को आप रेट इक्वेशन के नाम से जान सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि अगर मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो जो रेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया जाएगा तभी हमारा कौन आएगा के आएगा। मतलब के का बर्थ, के का जन्म ही कहाँ से हो रहा है, रेट इक्वेशन या रेट लॉ से हो रहा है। होप सो ये पूरी बात सबको समझ में आई कि जब रेट लॉ या रेट इक्वेशन बनेगा उस समय जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट। सिंपल। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो सबको पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कभी भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, अगर ऐसा दिमाग में आया सवाल भैया समझिए, जब रिएक्शन का रेट स्टार्ट होता है उस समय प्रोडक्ट फाउंड ही नहीं हुआ रहता है ना, जीरो प्रोडक्ट रहता है, इसलिए नहीं करता।
और ये केवल एक ही फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट, दैट इज टेम्परेचर ओनली. तो इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, केवल टेम्परेचर पे करेगा, अदरवाइज कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम किसी पे भी डिपेंड नहीं करता. कौन? रेट कांस्टेंट. इज इट? थर्ड कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका यूनिट हमेशा फिक्स रहता है, मोल पर लीटर पर सेकंड. बट जो रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट तो डिफर करते रहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पे. इसलिए लिखा गया है इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हमने अभी देखा भी कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या यूनिट आएगा. तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक की पूरी चीजें क्लियर हुई अच्छे से, इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट को नोट करके रखिएगा. अगला वीडियो दमदार होने वाला है क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में. तो मिलते हैं अगले क्लास में. हैव अ वेरी गुड डे. जय हिंद.